कि हमारे जो है जीजा जी भी निकल रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा सासुर भाई से मिलके। एक टाइम फोटो खिंचवाने के लिए घर साफ कर रहा था। रवि भाई और कनिका जी ये लोग हो रहे हैं विदा। हर सेकंड को एंजॉय किया, हर सेकंड को एंजॉय किया, हर दिन को एंजॉय किया। इधर जा रही है मिस्टी, इधर जा रही है निशा दी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी अभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए जी। हमेशा ब्लॉग के अंत में बोला करते थे आज सोचे कि पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लें क्योंकि आप लोग लगता है भूल जाते हैं। और तो फिलहाल जी यहाँ पर रवि भाई और कनिका जी ये लोग हो रहे हैं विदा। सभी लोग जो है एक एक करके आएंगे नीचे और इनको स्टेशन पर छोड़ करके आएंगे। और कार्तिक क्या चल रहा है? सब कुछ देख रहा है, वन से टेन तक काउंट कर रहा है। वाह वाह वाह, ठीक है। वो अपने साथ साथ दूसरे बच्चों को भी सिखा देगा बोलना। वाह बढ़िया। अच्छा इलेक्ट्रिक वाला है क्या ये? हरा हरा नंबर प्लेट है ना पीछे, नंबर नंबर की आवश्यकता नहीं, इसके लिए नंबर लाइसेंस चाहिए। सही बढ़िया। चलेगा बाबू? चलेगा साहेब। देखो बाबा जा रहे हैं, चलिएगा चलिएगा दुकान चलाने। बाबा के साथ जाएगा, दे जाएगा पापा के पास जाएगा। लो मासी दी है, थैंक यू बोल दो। अरे बदमाश तुम, बदमाश। इससे अच्छा तो उसको चॉकलेट दे देती, पता है ले लेता। चॉकलेट नहीं है यार, था जो गिफ्ट मिला था ना सब कार्तिक ने रात को खा लिया। तो है कार्तिक खाएगा उसको, खा लिया उसको। देखो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहे हो? मिट्टी भी फेंक रहा है, उठा लो। देख लो कितना तेजी भागेगा। ये वाले सॉक्स ना जल्दी गंदे हो जाते हैं। जल्दी आ, चलो चलो गाड़ियाँ आ रही है बेटा, गाड़ी आ रही है बेटा, उठो। मिस्ट्री अब दोबारा जा रही है। आ मिस्ट्री, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बहुत दिन रहे, दिन बहुत मजा आया और हर सेकंड को एंजॉय किया, हर सेकंड को एंजॉय किया, हर रात को एंजॉय किया हमने, हर दिन को एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा बहुत। सबके साथ रह के स्पेशल वाला फील हो रहा था, है ना? तुमको भी हो रहा होगा ना? हाँ। और हम लोग ज्यादा मिलते नहीं है, बहुत कम कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं हम लोग एकदम मस्त मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके सबसे, सभी लोग बहुत अच्छे। क्योंकि ना ज्यादा टाइम मिलने से क्या होता है, देखो हम लोग डेली डेली मिले ना तो वो बात नहीं होती, लेकिन साल में दो बार मिलो तीन बार मिलो वो बात होती है। आज साइड वाले ठोक देंगे तुमको। तो इधर जा रही है मिस्टी, इधर जा रही है निशा दी। पंकज भाई देखो, हमें मालूम था कि कनिका जी और रवि ये लोग निकल रहे हैं, फिर ध्यान आया कि हमारे जो है जीजा जी भी निकल रहे हैं तो विदा हो रहे हैं। तो हमारे जीजू से जो है पहली बार मुलाकात हुई और सच में जी जैसा सुना था वैसे ही दिलखुश आदमी है और बहुत अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। और अब आगे जो है कोई ना कोई ओकेजन आएगा तो हम लोग इकट्ठे होंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे। हमें बहुत अच्छा लगा सासुर भाई से मिलके, ऑनेस्टली टचवुड, हमने तो हमेशा अच्छा ही सुना था। अच्छा, जिससे भी सुना था लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे सभी, अच्छे हैं यार, सभी को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आप किसी को भी, मैं ये कहूँगा कि 8 मिनट का वीडियो देख के जज मत कीजिए, जज मत कीजिए, बिल्कुल सभी अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सभी को प्यार दीजिए। और कहीं ना कहीं आपका प्यार ही मिलता हम लोगों को, बिल्कुल, जिसकी वजह से हम लोग हैं यहाँ जहाँ भी हैं। तो इधर देख सकते हैं जी सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ओके भाई विदा, भूल जाइए गाल विदा बोलना। हम लोग मिलेंगे, मिलेंगे बिल्कुल, मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। आखिरी बार, आखिरी बार कह जब आप किसी के बहुत बड़े फैन होते हैं तो आदमी नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत लगता है। इधर आई नहीं, यहाँ खड़ी हुई ना, इधर आई, यही वो बात है। लेकिन आज लग रहा है ना, आज हक से फोटो खिंचवा रहे हैं, एक टाइम फोटो खिंचवाने के लिए घर साफ कर रहा था। सब मस्ती बजा के गाइस, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बिल्कुल बिल्कुल जी, मजे लेते हैं। सही बात है जी, अच्छा लगा बहुत, क्या बहुत अच्छा लगा, पार्टी बहुत जानदार शानदार। मिलते हैं जल्दी, एक दो दिन में मिलते हैं, आप आइए ना उधर। अरे बगल वाले से डॉक्टर बनाएंगे, चलिए अब बैठ जाए सासुर भाई। आगे कहाँ बैठ जाए? आगे बैठ जाए, रवि भाई पीछे बैठ जाएंगे, रवि भाई पीछे बैठ जाएंगे। हाँ हाँ आगे बैठो ना, उनके साथ कनिका के साथ। चलिए चलिए, अभी क्या बता रहा है आप अराइवल टाइम ट्रेन का? अराइवल टाइम तो 4:11 दिखा रहा है, लेकिन उससे बात किया ना मैंने कस्टमर रेलवे में, तो वो कह रहे 3:00
50 मिनट के आसपास बोला कि आ जाए। चलिए तब अब किसकी बात पे यकीन करो। सही बात है, थोड़ा आधा घंटा पहले ही पहुंच जाए तो अच्छा है। बाय बाय मिलेंगे ना, जल्दी गेट टुगेदर होंगे। अगले साल साल भी महीना में मिलेंगे। कह रही है क्या बताए, महीने महीने मिलेंगे तो महीने महीने मिलेंगे। परिवार बहुत बड़ा हो गया है, परिवार बहुत बड़ा हो गया, यूट्यूब का फैमिली हम लोग। तब सबकी यहाँ एनिवर्सरी है का, कुछ ना कुछ फंक्शन सब आते रहेगा। बना दिया जाएगा, फिर से एक आध बार शादी कर लिया जाएगा। नमो नमो करो। ये वाह 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 वाह, अरे रे बेटा, वाह 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 वाह। ओ भाई, ये जितनी को तो मिल गया। ये कैसे बेटे, मम्मा नहीं जा रही? मम्मा नहीं जा रही, ठीक है ससुर भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं, मिलते हैं जल्दी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निकलिए। चलिए चलिए, तो सभी लोग जी यहाँ पर बैठ गए हैं और खेत खलिहान के बीच से जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो है सांसद भाई, हाँ बगल में देखो मेरा पोखरा याद नहीं आ रहा गांव का पोखर, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मिस्टू भाई का भी जो गांव है बहुत हरा भरा है, गए हुए वहाँ पर हमारे घर के पीछे पूरा हरा भरा एकदम खाली खाली। हाँ हाँ, और जब जा रहे थे रास्ता बड़ा अच्छा था, एकदम दोनों साइड खेत खलिहान सब। और मिथुन भाई की तरफ थोड़ा और अच्छा लगा था, वहाँ था वो नहर सब था, तो वो सब जो है सीन सब बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए जी, अब आ गए मेन रोड पर और यहाँ से अब सीधा चलेंगे। ट्रेन के आने में शायद अभी है एक दो घंटा समय, और शायद स्टेशन भी पहुँचने में लग जाएगा आधा घंटा करीब। कितना, आधा घंटा 45 मिनट, एक घंटा लगेगा। चलिए जी तब निकल। तो हम लोग पहुँच गए जी मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन। रवि भाई जो है उनको कुछ डायपर लेना था, तो अपना डायपर जो है मिल गया उनको। और थोड़ा सा दूर जाना पड़ा स्टेशन से, और टाइम भी जो है थोड़ा सा अब कम है, 20 मिनट के करीब है, उसी में आपको चढ़ना भी है। 20 मिनट बहुत है, बहुत है, है। चलिए जी, आदमी 2 मिनट में चढ़ जाता है कि 2 मिनट में चढ़ना है बस। 2 मिनट का स्टॉप होता है, वहाँ 2 मिनट में चढ़ना होता है। यहाँ से वहाँ जाती जाती आपको 5 मिनट लगेगा, कम से कम 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट सामान सामान वामान ले आने में, अंदर तक उतारने में। हाँ एकदम नेक टू नेक टाइम है यहाँ, बीच में बाथरूम भी नहीं जा सकते आप। ट्रेन भी चला दूंगा। सही है, तो हम लोग चलते हैं जी उधर। A few moments later, तो हम लोग जी भाग भाग के हम लोग आए भाग भाग के, मालूम चला कि ट्रेन आ गई है, कोई ट्रेन नहीं आई। अच्छा ये ट्रेन मालगाड़ी, मालगाड़ी से जाएंगे। अरे भाई, मैंने बोला कि ट्रेन आ गई, मैंने ये नहीं बोला कि गाड़ी आ गई, ये तो नहीं बोला, सही बात, गलती मेरी थी। दोनों भागे भागे आए यहाँ पर, तो इनकी ट्रेन आने में अभी समय है, अभी बज रहे हैं वहाँ 15:25, कितना बोल रहा था, 15:50 बोल रहा था, 15:50 बोल रहा था, आधे घंटे में लगभग। तो रवि और कनिका जी हो गई है विदा, और उसके बाद अब चलते हैं घर। अब रुद्र भाई के घर में जो है एक ही गेस्ट बच गया है, वो है हम, पूरा खाली खाली हो गया, पूरा खाली हो गया वही चीज। और हम आज ही निकलने का प्लान कर रहे थे, लेकिन मौसम ने जो है थोड़ा साथ नहीं दिया, और रुद्र भाई कहे कि इसे मौसम में जाना सही नहीं है। बहुत बहुत खुआ था ना भाई, हाँ देखा अभी भी, देखो मौसम पूरा क्लियर नहीं दिख रहा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सफर भी लगभग हम हमारा जो है 6.5-7 घंटा का सफर है, अच्छा खासा सफर है, थकान भी थी। हाँ वो थकान तो था थोड़ा सा वो, तो अब चलते हैं जी, गाड़ी बाहर लगी हुई है। और इस ब्लॉग को आप यहीं पर खत्म करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।